साहब पकौड़े वाले से अपनी बच्ची की शादी कर देंगे। देखिए अगर ईवीएम साथ में देगी तो बदलाव होगा जरूर। अगली साल कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी अगली साल राहुल गांधी आएंगे। क्यों राहुल गांधी आएंगे? आएंगे क्योंकि जुमलेबाज मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं। मोदी कहाँ आया? राहुल जी आ रहे हैं। क्यों राहुल? मोदी तो सपाया है भाई, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब साइंटिस्टों ने बनाया है तो साइंटिस्टों के बयान चलते ना, तो अपना काय को लागू दे रहे। एक घंटे का डिबेट दे दिया उन्होंने। मणिपुर में क्यों नहीं बोले? उन्होंने दंगा यहाँ क्यों नहीं? मणिपुर में पूरा नंगा लहराया जा रहा है, उसके लिए नहीं बोलेगा बंदा? मोदी जी बस मोदी जी। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अगला प्रधानमंत्री कौन है, और इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के सामने चांदनी चौक पर, और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को मौका देंगे या फिर राहुल गांधी को आजमाएंगे। इस साल चुनाव है, कौन आएगा, राहुल या मोदी? मोदी कहाँ आ रहा है? राहुल जी आ रहे हैं। क्यों राहुल जी आ रहे हैं? वो आ ही रहे हैं भाई, उसने संविधान में आई इलेक्शन लगा हुआ है, जीते हुए। क्यों मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? पूरी पब्लिक जा रही है, मोदी मोदी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं। परेशान है। क्या परेशानी है? परेशानी धंधे का है, कोई काम धंधा धंधा नहीं आई, पैर हाथ टूट गया। ये हाथ कैसे टूटा? हाथ टूट गया, गिर गए, आई काम करते हुए आई। क्या काम करते हैं आप? ये सफेदी का पेंट का काम करते हैं। तो तो क्या लगता है राहुल जी आएंगे तो कुछ बेहतर होगा? हाँ बेहतर होगा, काम बढ़िया होगा भाई, राज चलेगा, बहुत बढ़िया होगा। आई से राहुल जी आएंगे तो ये तो आने का कोई हमें कोई नतीजा ही नहीं। मैडम नहीं, मोदी तो सपाया है। देखिए यही तो हिटलर साहब बोलते हैं इसको। हाँ। इसको हिटलर साहब बोलते हैं कि आप झंडा फिराने आए, देश आजाद की खुशी मनाई जा रही थी, आप चुनाव प्रचार का स्पीच कर रहे थे, अमरीका में आपकी बात ट्रम्प सरकार। आप देश के प्रधानमंत्री है, पता नहीं आप इस चुनाव प्रचार हो गए, प्रचारक बन गए हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा। और वो भी सरकार गई मणिपुर कैसे होगा? डंडा नहीं है, क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है? आप खुद पूछिए ना, हम यहाँ पे अपनी बात को रख पा रहे हैं कि मोदी जी आएंगे दोबारा, तिवारा नहीं, गलत हो रहा है, वो आएंगे इसलिए कि आज जितने भी युवा हैं उन लोगों को जो दिखाई देता है रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं है, पता नहीं है, तो रोजगार तो मेरे पास भी नहीं है। वोट का कोई तो रिजर्व रोजगार नहीं है हमारे पॉपुलेशन के, ये तो समझना पड़ेगा ना। इससे पहले कौन सा रोजगार था? इससे पहले कौन सा रोजगार था? रोजगार रेशियो देखिए, प्रधानमंत्री वादा करके आए थे 2 करोड़। पहले हम गोली खेलते थे गलियों में गोली खेलते थे। लेटन। अब क्या खेल रहे? अब हम पकौड़ा बेच रहे हैं भाई, 5 फूल। अरे तो चाहते क्या है फिर भी? एक तो दिल में मना अब मान चुके होंगे ना, ठान चुके होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी आना चाहिए या बदलाव राहुल गांधी आना चाहिए भाई। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चाह रहे परिवर्तन। क्या भाई साहब क्या लगता है 24 में? भाई अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं कि मोदी जी जीतेंगे, केजरीवाल जीतेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे? तो मोदी जी दावे कर रहे हैं, उसमें क्या कहना? अभी सत्ता उनके हाथ में है, वो बोलेंगे तो जीतेंगे, वो बोलेंगे तो राज हार जाएंगे। भाई उनके सत्ता जिसके हाथ में होती है वही तो करेगा ना। अभी पब्लिक के हाथ में, पब्लिक ने जैसे कुर्सी में बिठाया था, कुर्सी से उठा भी सकते हैं। बाकी तुम्हारे घर में दाल चावल रोज बनता रहेगा तो तुम्हारा को भी स्वाद चेंज करने का बनता है कि भाई एक बार सरकार चेंज करे। चावल घी वाला हो तो क्यों चेंज करे भाई? घी कुत्तों को हजम नहीं होता, समझ रहे हो? इंसान को भी घी हजम नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत घी कम कर दो। गर्मी में घी खाओगे तो दस्त लग जाएंगे। आपको मन से लग रहा बदलाव चाह रहे हैं आप 24 में? मैं नहीं चाह रहा, सभी चाहेंगे। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उसको वोट दे। सभी चाह रहे बदलाव 24 में? कोई बदलाव नहीं चाह रहे भाई। मोदी के बराबर प्रधानमंत्री आज तक ना था, ना होगा, ना रहेगा। और क्या, इतने सारे टूर मार रखे मोदी जी ने, कोई कर ही नहीं सकता, रिकॉर्ड तोड़ रखे। जो काम सत्तर साल में नहीं हुआ ना। हम इतना, हमारे नेता भ्रष्ट है, 55,000 करोड़ का ही सिर्फ उन्होंने कर्जा लिया।
लेकिन मोदी जी 9 साल के अंदर 155,000 करोड़ यही तो कह रहे हैं, 1,00,000 करोड़ फायदा यही तो कह रहे हैं, जो 70 सालों में नहीं हुआ ना वो 9 साल में कर दिया, डंका बजा दिया विदेशों में मोदी जी। भाई साहब अमेरिका में तो घंटा बजाता, डंके का तो पता नहीं। मोदी जी रोजगार दे, हमें बेरोजगार है जो रोजगार दे उन्हें, सही है। यहाँ पे हिंदुस्तान की बहन बेटियां पिट रही है, उनके पास तो बोले नहीं, चांद पे झंडा लहरा दिया उसके लिए बोल रहे हैं। भाई कुछ तो करो, हम तो कह रहे हैं मोदी जी जीते, हम तो वोट देते रहेंगे मोदी जी को, पर कुछ बेरोजगारी के लिए तो करें। चंद्रयान बनाया इसरो ने, साइंटिस्ट ने, वो तो मोदी का आता है, मोदी ने किया है क्या कुछ? जब साइंटिस्टों ने बनाया है, मेरी बात नहीं बात, जब साइंटिस्टों ने बनाया है तो साइंटिस्टों के बयान चलते ना, पर तो अपना काय को लाके दे रहे। 1 घंटे का डिबेट दे दिया उन्होंने, मणिपुर में क्यों नहीं बोले? नहीं बोल रहा हूँ, दंगा वो वहाँ क्यों नहीं बोले? साइंटिस्टों ने बनाया था, अभी भी सीमा हैदर ले रही है मोदी जी, इतने बड़ा काय कर दिया हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की बंदी आ रही है, हिंदुस्तान की बंदी पाकिस्तान जा रही है, उससे तो लाया नहीं जा रहा, इससे तो होगा नहीं जा रहा, मोदी जी कितना बड़ा मोदी मीडिया कर रहा है। मोदी जी 9 साल में 1 दिन भी नहीं सोया, और क्या करे भाई साहब? मोदी जी को उल्लू बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बता रहे हैं। उल्लू जब इंसान सोएगा नहीं तो उल्लू खिलाएगा। 2 घंटे काम करता है, मैंने ये बोला है, सोते तो है, लेकिन इंसान नहीं करते। राहुल जी तो 4 दिन का काम करते हैं, 5 दिन छुट्टी मनाने चले जाते हैं इटली। सुनो मेरी बात, ये जो आपके सुनो इतने साल से आपके माँ बाप, अब तो माँ बाप बन गए होगे आपके बच्चों के, आप जो जीते हुए आए हो, रोटी खाते हुए आए हो, इतना दिमाग लेके चल रहे हो, ये कांग्रेस की राज में सीखा तुमने जूता पहनना चप्पल पहनना, आज तुम उसको बता रहे हो कि ये कर रहे हो गए अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन आना चाहिए? मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी? मोदी जी का काम इतना अच्छा चल रहा है, 9 साल हो गया प्रधानमंत्री बने, कौन सी उपलब्धियाँ? हमारे एमपी में तो बहुत उपलब्धियाँ है, बीजेपी सरकार की बहुत उपलब्धियाँ है। यानी एमपी से हैं आप? एमपी से हैं। वहाँ पे राज्य लोग विधानसभा चुनाव भी है? हाँ दोनों है, अभी तो विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है मामा भी आएंगे? मामा ही आएंगे। या मतलब एक तरफा होगी? नहीं, अपोजिशन कुछ मजबूती में आएगा। अपोजिशन कुछ मजबूती में आएगा, लेकिन सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो अभी 2024 मोदी की उम्मीद है। उम्मीद मोदी की है? नहीं, 9 साल से ज्यादा हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, क्या लगता है कौन सी उपलब्धियां उनकी? आपको भी बताना पड़ेगा, मीडिया वाले को। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आएंगे उस मजबूती से नहीं आएंगे जिस मजबूती से 2014-2019। राहुल गांधी कह रहे गारंटी दे रहा हूँ हरा दूंगा, वही थोड़ी सी लड़प्पन तो उनकी जो है अहंकार ये अहंकार है। मैं तुमको अखाड़े में पहुंचते ही पटक दूंगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं ही आऊंगा, वो भी अहंकार है। नो, उन्होंने कहा सब कह रहे हैं क्योंकि वो मशीनों के द्वारा आ जाएंगे ना सब, इसलिए वो सही कह रहे हैं वो, क्योंकि ईवीएम के द्वारा आ जाएंगे तो दिक्कत ही नहीं है। वो उसके लिए आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि वो उनका अहंकार है? अहंकार तो ये भी हो गया, पब्लिक का किसको पता, पब्लिक किसको वोट दे, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? ऐसे मैं गांव से हूं भाई साहब। अरे तो गाँव में आपको किसकी? नहीं, मैं गांव से हूं। अब गांव में किसी को नहीं कह सकते? गांव में 10-20 बैठते हैं तो अपने विचार सब एक दूसरे को देते हैं, भैया कहाँ गए? नफरत फैला दी बीजेपी। ये गलत बोला उन्होंने, बिल्कुल गलत बोले। किसमें नफरत फैली? नहीं नहीं, नफरत किसने करवाया? किसने करवाया? नहीं, किसने सरकार की बात? सरकार तो जो है यहाँ पे हरियाणा भी जो है बीजेपी, जो जितने दंगे हुए हैं आज तक 1947 से लेकर अब तक, वो किसने करवाया? बीजेपी ने। अगर कांग्रेस के वहां पे करवा रही है तो अब ये बताइए आप मुझे, आरएसएस थी? आरएसएस तो आज थी, आरएसएस। अच्छा, मोदी जी ने कहा था 6 दिन आएंगे, 2 करोड़ सालाना नौकरियां देंगे। 2 करोड़ सालाना नौकरियां जो है मोदी जी ने ऐसा कहीं स्टेटमेंट हो तो आप जो है बता दीजिए। है स्टेटमेंट है? नहीं, 2 करोड़ रोजगार 15 लाख, लेकिन गवर्नमेंट इम्प्लाई नहीं। तो ठेले बढ़ाए गए और घटा रहे ठेले, तो दिल्ली से साफ हो रहे सारे ठेले, ले लीजिए। अब तो पकौड़े भी नहीं तले जा रहे भाई साहब, ढाई जा रहे। उस गवर्नमेंट सर्विस से अच्छा पकौड़े वाले अच्छे हैं।
अरे अमेरिका की स्कीम और रूस की स्कीम यहाँ चलाई गई है सरकार। अगर इनको बेटी का रिश्ता नहीं होगा ना अभी सरकारी आदमी नहीं आएंगे और वाले इन्होंने सुनिए पहले बोलने दोगे क्या बोल रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं। एक बार बताइए आप मुझे कि आप पकौड़े वाले से अपने बच्ची की शादी कर देंगे? बेरोजगार है तो पकौड़ा नहीं देखा जाएगा। सरकारी से अच्छा है वो सरकार अपने लेवल से हमारे समकक्ष हो। किस चीज से लेवल पैसे से नहीं, पहले तो हमारे यहाँ जाति देखी जाती है अपनी जात क्या है या नहीं है, और उसके बाद फिर जो है अपने बेरोजगार क्यों बेरोजगार दादी पकौड़े वाले से करेंगे। नहीं, आप बेरोजगार कौन बेरोजगार है? 20,000 का फोन लेके आप चल रहे हैं, बेरोजगार हैं? 600 की रिचार्ज कर रहा है, बेरोजगार है आप? जी जी, जो भी लीक है, आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सऊदी अरब ले लीजिए, कुवैत ले, कोई भी ले लीजिए, इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके बावजूद नक्शे में कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं उनका डेवलपमेंट नहीं होता। मेरा कहना सिर्फ इतना है, मजहब के चक्कर में पड़ने से देश पीछे ही जाता, आगे नहीं जा सकता कभी जिंदगी में। इस चीज को मानना पड़ेगा, इस चीज को हम मानेंगे। और जहां तक जो है डेवलप की बात रही, तो उस समय की महंगाई से कांग्रेस ने अपना डेवलप किया, और 2014 के बाद जो महंगाई जैसे थी बीजेपी को, बीजेपी के कुछ नेता नफरत की बात करते हैं, बीजेपी में काफी ऐसे गद्दार नेता हैं, बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री ने कहा हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कौन बोला? असम के मुख्यमंत्री ने कहा असम हम इस राज्य को गद्दार कहेंगे कलकत्ता में जाके क्या कह रहे हो भाई साहब? सुनिए, हम गद्दार किसी को बात पूछता हूँ कि ये लोग अपनी सत्ता में आने वाले क्लीन चिट देते हैं कि इन लोगों को भरोसा नहीं है कोर्ट के ऊपर? लोगों से कहा जाता है कि आपको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हमसे पूछा जाता है तो इन लोगों को भरोसा नहीं क्यों लेते क्लीन चिट? ये आपको क्या लगता है कि अगले साल बदलाव होगा? देखिए, अगर ईवीएम साथ में देगी तो बदलाव होगा जरूर। ईवीएम तो चुनाव आयोग कह चुका ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम तो साथ देगी तो नहीं होगा, चुनाव आयोग कह चुका ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब चुनाव आयोग तो हमेशा से कहता आ रहा है, तो क्या लगता है बदलाव हो जाएगा अगर ईवीएम सही गई तो? मुझे तो लगता है साहब अगले साल कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार विकास नहीं कर रही है। क्यों विकास नहीं कर रही? दुनिया भर में डंका बज रहा है देश का। क्या डंका बज रहा है? पांच काम बता दीजिए। क्या काम बताइए? पांच काम बता दीजिए उसका। यहाँ तक हर एक धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए? राम मंदिर न्यायालय का फैसला, नरेंद्र मोदी का नहीं, न्यायालय का फैसला जो न्यायालय सुनाया है। और वो तो राहुल गांधी क्यों आना चाहिए? राहुल गांधी इसलिए आना चाहिए क्योंकि रोजगार नहीं है, सब लड़का बेरोजगार है। राहुल आएंगे तो रोजगार आ जाएगा। रोजगार भी आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम भी खत्म हो जाएगा। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, कहाँ विकास हो रहा है? सबका गरीब हो रहा है। गौतम अडानी विकास कर रहे हैं, मुकेश अंबानी विकास कर रहे हैं, बाकी आम पब्लिक कहाँ विकास कर रही है? आप कंपनी का स्थिति देखिए, सरकारी रोजगार नहीं है, एयरलाइंस सब प्राइवेट हो रहा है। क्या लगता है कि अगले साल बदलाव हो जाएगा? हाँ, बदलाव हो जाएगा। राहुल या मोदी? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी इसलिए कि मोदी ने बताया था कि 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे, 2 लाख रोजगार देंगे। कहाँ वो रोजगार? कहाँ वो विकास तो हुआ देश का? विकास क्या हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं, ये सब जुमला है। अब बस राहुल गांधी कौन आएगा अगले साल? कौन आएगा अगले साल? राहुल गांधी आएंगे। क्यों राहुल गांधी आएंगे? आएंगे क्योंकि ये जुमलेबाज, मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं। मोदी जी क्या जुमलेबाजी की? बहुत बात, दो लाख आदमी को बोले तो रोजगार मिलेगा, और 15 लाख रुपए किसके? आप बताएं अगले साल कौन जीतेगा? अगले साल वही राहुल गांधी जीतेगा। कौन आएगा? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? भाई काम करके दिखाएगा, काम करके दिखाएगा वो।